सोमवार को हुए स्कूल बस के टायर फटने की घटना में घायल छात्र सागर कुमार के पिता मनोज महतो ने सीसीएल के डकरा केंद्रीय अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए खुलासा किया है। पिता मनोज ने बताया कि बस में टायर फटने की घटना के बाद सागर के पैर में काफी दर्द था। कल अस्पताल में क्षेत्र के महाप्रबंधक स्वयं आकर चिकित्सकों से बेहतर इलाज करने की बात कही थी, जिसके बाद डकरा अस्पताल में सागर समेत सभी घायल बच्चों के पैर का एक्सरे किया गया था, जिसके बाद चिकित्सकों के द्वारा एक्सरे रिपोर्ट नॉर्मल रहने की बात कर सभी घायलों को घर भेज दिया गया था। रात में सागर के पैर में अचानक काफी दर्द होने लगा और सूजन बढ़ने लगी, जिसके बाद मंगलवार को डकरा में ही एक प्राइवेट एक्सरे क्लिनिक में एक्सरे कराया तो पता चला कि पैर में दो जगह की हड्डी फ्रैक्चर है, जिसके बाद घायल के पिता ने इसकी सूचना पूर्व जिला परिषद सदस्य सह बिहार कोलियरी कामगार यूनियन के जोनल अध्यक्ष रतिया गंजू को दी। रतिया गंजू इरफान खान और घायल बच्चे के पिता एक्सरे लेकर डकरा केंद्रीय अस्पताल के मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर चौधरी को दिखलाया, जिसके बाद घायल बच्चे का पैर का प्लास्टर किया गया। इस मामले पर रतिया गंजू समेत क्षेत्र के कई श्रमिक प्रतिनिधियों ने इसमें डकरा अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही बताया है और इसको लेकर प्रबंधन से कार्रवाई की भी मांग की है। जबकि इस मामले पर डकरा केंद्रीय अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर बीडी चौधरी ने बताया कि बेवजह मामले को तुल दिया जा रहा है, बच्चे के इलाज में कहीं भी लापरवाही नहीं की गई है। जिस एक्सरे की बात कही जा रही है उसमें माइनर गैप दिख रहा है जो छोटे बच्चों में अक्सर पाया जाता है। कल जैसा कि जान रहे हैं कि बस दुर्घटनाग्रस्त हुई, सारे बच्चे लोगों को यहां पर लाया गया, ट्रीटमेंट चला, सारे बच्चों को एक्सरा हुआ। एक्सरा होने के बाद डॉक्टर साहब बोले कि नहीं, सब ठीक ठाक है, आप लोग घर चले जाइए। रात में मेरा बच्चा का दर्द सबसे ज़्यादा बढ़ गया, उसके बाद यहाँ डकरा में एक्सरे दुकान में फिर से एक्सरे करवाने पर पता चला कि नहीं, एक नहीं दो दो जगह इसका फ्रैक्चर है। पश्चात अपने नेताजी को रतिया गंजू जी को खबर किए और उसके बाद इन्होंने यहाँ का जो डॉक्टर है उनको मामला से अवगत कराया, तब फिर जा करके प्लस्तरा हुआ। मेरा कहने का मतलब, कल जी एम साहब जब बोले कि सारा चीज ट्रीटमेंट से लेकर के दवा से लेकर के टोटल चीज़ हम करेंगे, यहाँ पर देखिए एक भी सारा दवा हमारा बाहर से निकाल, यहाँ पर देखिए सारा दवा बाहर से निकाल, और झुनझुना जैसा एक को मलहम दे करके कल भेज दिया गया। अगर कल ही चीज़ को क्लियर कर दिया जाता कि नहीं फ्रैक्चर है, कल ही लोग का इलाज अगर कर दिया जाता तो आज इतना परेशानी गार्जियन को तो होता नहीं। ये कौन सा मतलब कि इलाज है, कौन सा डॉक्टर है, कौन सा ये है कि पता नहीं चलता है कि फ्रैक्चर है कि क्या है, और क्या बोले, ये लचर व्यवस्था है। जब तक जनप्रतिनिधि जब तक ये सब रहता है तब तक सारा चीज़ ठीक रहता है, इन लोग का हटते ही जाते ही फिर जस का तस, यहाँ पर कोई किसी तरह का कोई व्यवस्था और सुविधा दिया ही नहीं जाता। अगर आपका पास कोई घटना घट गया तो मामले को कितना जल्दी है रफा दफा करना है, इसमें पूरा का पूरा प्रबंधन से लेकर के कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मिल जाते हैं कि एकदम लिपापोती कर दिया जाए, तुरंत मामला का सॉर्ट आउट किया। यही हड़बड़ी में कल उसका प्लस्तर नहीं है कि नहीं ठीक है। कल जो बस से जो टायर फटने से जो बच्चा सब जो घायल हुआ और हम लोग अभी सेंट्रल अस्पताल में है, सेंट्रल अस्पताल एक काम से रह गया क्योंकि एक्सरे जो किया गया इसमें लोग क्या समझे डॉक्टर है कि अनाड़ी है क्या है, ये लोग जानकारी नहीं है कि क्रेक है कि नहीं है, और बच्चा का जो गार्जियन था वो आज एक्सरे कराया तब पता चला कि दो जगह किरे थे। तो इसी चलते हमको का नाम है कि सीसीएल जो सेंट्रल अस्पताल है वो नाम का है, इसी चलते इसको फिर ताला लगा देना चाहिए क्योंकि इसमें मान लीजिए नाम के सेंट्रल अस्पताल है और यहाँ किसी तरह के किसी को अनुभव नहीं है, चाहे हमारे ट्रीटमेंट ठीक से नहीं होता है चाहे नहीं करने की इच्छा रहता है।